नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज से जीके क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा, ग्राउंड ऑडिशन में जो जीके टेस्ट होता है, उसके लिए कुछ क्वेश्चन अब डेली वीडियो में मैं लाऊंगा। इससे पहले जो लाता था वो भी काम के ही होते थे, और ग्राउंड ऑडिशन में भी आ सकता है। जैसे करंट अफेयर्स वगैरह आप लोग भी पढ़िएगा, और जो मुझसे होगा जितना मैं कोशिश करूँगा, आप लोग भी अपने तरह से पढ़िएगा सब कुछ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाहरुख खान के बंगले का क्या नाम है? ए जन्नत, बी मन्नत, सी सिद्धत, डी कायनात। इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है बी मन्नत। अगला प्रश्न है, हमारे प्यारे बच्चन सर जी के बंगले का क्या नाम है? ए मातृगृह, बी रामायण, सी आशीर्वाद, डी जलसा। इसका आंसर है डी जलसा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बॉलीवुड महानायक का जन्म नाम जतिन खन्ना था? ए राजेश खन्ना, बी विनोद खन्ना, सी संजय खन्ना, डी अक्षय खन्ना। इसका आंसर ए राजेश खन्ना। फ्रेंड्स, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी को अगर ऑडिशन के लिए बुक का ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा 8969021717 पर। अभी ये करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाला एवरेस्टमैन कौन है? ए कामरीता शेरपा, बी आंगरीता शेरपा, सी लखपा शेरपा, डी शुभम धनंजय। तो ये जो है बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हर साल, उनके लिए एकदम आम बात है। तो आ सकता है केबीसी में, और घुमा करके भी पूछ सकता है कि 2024 में जो है कितनी बार चढ़ाई की है, इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका आंसर है कामरीता शेरपा। इनको एवरेस्ट मैन के नाम से जो है अब जाना जाता है, कि इतना बार चढ़ाई की है, 29वीं बार हो गया है अब। 12 मई 2024 को इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न में है, जो बगल में चित्र देख रहे हैं, इस जानवर की पहचान करें, तो ओकापी, एंटीटर, परक्यूपाइन, आर्माडिलो, कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर ये एंटीटर है, एंटीटर है ये। ये ऑडिशन ई बुक के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 8969021717 पर। पिक्चर भी मिलेगा उसमें, टोटल 11 ई बुक मिलेगा। और करंट अफेयर्स लेंगे तो उसका गिनती नहीं है, वो अलग से है। करंट अफेयर्स मई तक मिलेगा, 20 मई तक हो गया है। अगला प्रश्न है, मोरेलो किस फल का प्रकार है? ए बनाना, बी मैंगो, सी गुआवा, डी चेरी। इसका आंसर है डी चेरी। चेरी के जो वैरायटी है इसको देखेंगे, रेनियर, बिंग चेरीज, लेपिन्स, मोरेलो, ब्लैक चेरी, ये सब है। उसके बाद है मोंटे मेरेंसी चेरी, चिलन, मतलब बहुत सारा, इसे एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद है गुलेमोट किस प्रकार का प्राणी, शायद मैंने इसे वीडियो में पहले बनाया है, ऐसे एक बार और हो जाए। इस पर क्या है ये? तो ये मंकी है, बर्ड है, लिजर्ड है या स्पाइडर है? तो ये बर्ड है। अगला प्रश्न, शतरंज का कौन सा मोहरा है केवल तिरछा घूम चल मूव कर सकता है, यानी चल सकता है? तो यह है, एक में है ऑप्शन रानी क्वीन, बी में है बिशप ऊंट, और सी में रूक हाथी, डी में नाइट घोड़ा। तो इसका आंसर होगा बिशप ऊंट, जो उसका नुकीला जैसा रहता है ऊपर में, और वो तिरछा डायगोनली चलता है। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ धाम जो है वो किस देवता को समर्पित है? ए शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी कृष्णा। आंसर इसका बी विष्णु। अगला प्रश्न, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखा सॉरी वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है, वो कहाँ है? ए अजंता की गुफा में, बी एलोरा की गुफा में, सी एलिफेंटा की गुफा में, डी बाघ की गुफा में। इसका आंसर है सी एलिफेंटा की गुफा में।
ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन मुख वाला मूर्ति जो है त्रिमूर्ति इनको बोलते हैं, और ये एलिफेंटा के गुफा में है, ये विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो तट है उसका क्या नाम है? ए कोरोमंडल, बी मालाबार, सी उत्तरी सरकार, डी कोंकण। इसको देखेंगे आंसर है इसका कोरोमंडल। मालाबार जो केरल के साइड का है और गोवा महाराष्ट्र के आसपास जो है तट उसको कोंकण बोलते हैं। अगला है ब्यूफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है यानी क्या मेजर किया जाता है? भूकंपीय तरंग, पवन की गति, बहते जल की गति। तो इसका आंसर होगा पवन की गति, समुद्री पवन की गति खासकर होता है ये समुद्र में। ये देखिए इसका जो आविष्कार करता था फ्रांसिस ब्यूफोर्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है हॉटसीट के लिए भी। जी हॉटसीट के लिए भी प्रश्न उत्तर का है जिसे मैंने पहले सारा वीडियो में बताया है, ताकि हर एक वीडियो सभी को डेली नहीं देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, इसीलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ बताने का। अगला प्रश्न है, किस शहर का नाम तंजन नामक असुर के नाम पर पड़ा जिसे भगवान विष्णु ने मार डाला था? ए तंजावुर, बी तिरुपुर, सी तंजानिया, डी मैसूर। तो इसका आंसर है तंजावुर। तंजन नाम का असुर था ये, इसमें जो है लोगों को बहुत परेशान कर रखा था, तो लोगों ने विष्णु जी से प्रार्थना की, विष्णु जी आए फिर इसको मारे, और उसके बाद वो एरिया का नाम तंजावुर हुआ। कड़कनाथ असील बुसरा ये किसके प्रजाति है? ये मुर्गी, बी भेड़, सी बकरी, डी भैंस। इसका प्रजाति है मुर्गी का प्रजाति है यानी कुक्कुट प्रजाति। और नहीं प्रश्न अगला वीडियो में जल्दी जो है मैं आज ही कोशिश करूंगा एक और वीडियो लाने का, क्योंकि ऑडिशन तो अब आ ही गया है, जितना कोशिश हो सके मैं करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाने का। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ई बुक लेना हो तो मैसेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।